प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नेपाल सीमा 72 घंटों के लिए की गई सील, नेपाल में संसदीय चुनाव के चलते लिया गया फैसला। भाकपा नेताओं ने पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने पर जताया विरोध। बेतिया की खटौरी पंचायत मुखिया ने शादी कार्ड के साथ बांट रही आंवले के पौधे। भागलपुर के महिषा मुंडा गांव के एक घर में अचानक लगी आग, पीड़ितों की गृहस्थी जलकर हुई खाक। बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल के उपाध्यक्ष के साथ स्वास्थ्य कर्मी ने की अभद्रता। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। रोहतास में आयकर विभाग की टीम ने राजग विधायक फतेह बहादुर सिंह और उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर छापेमारी की, साथ ही आयकर अधिकारियों ने कई दस्तावेजों की जांच भी की। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहे। बिहार में लगातार ईडी और इनकम टैक्स का छापेमारी चल रही है। इसी दौरान देहरी में राजद विधायक फतेह बहादुर के निजी होटल और आवास पे छापेमारी चल रही है। इसी दौरान इस जगह हम खड़े हैं जहां आप देख सकते हैं कि ईडी की इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। और अधिकारियों से बातचीत में बताया गया कि अभी किसी तरह का कोई बात बताने से इनकार किए, कहा कि अभी छापेमारी चल रही है, जो कुछ भी होगा मीडिया को तुरंत बता दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंजीत हमसे जुड़ेंगे। मंजीत, आयकर विभाग की टीम ने राजग विधायक फतेह बहादुर सिंह और उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर छापेमारी की है, क्या वजह है छापेमारी की, क्या कुछ पूरा मामला है? देहरी राजग विधायक के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, उनके एक निजी होटल और उनके आवास पे छापेमारी कल शाम से ही चल रही है। करीब 7 बजे ही छापेमारी शुरू कर दी गई थी, लेकिन अभी तक अधिकारियों को से बातचीत के दौरान पता चला कि अभी किसी भी तरह का कोई कुछ प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि क्या पकड़ाया है और क्या मिली है। उन्होंने कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी की जो कुछ भी होगा मीडिया को बता दी जाएगी। और आपको बता दें कि देहरी राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह कई दिनों से, सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि कई दिनों से वो डेहरी से बाहर हैं और अभी तक छापेमारी के दौरान भी उनको डेहरी में नहीं बताया जा रहा है। जी धन्यवाद मंजीत तमाम जानकारियों के लिए। बेतिया के छोटा मनगट में दहेज न मिलने पर विवाहिता की निर्मम हत्या कर सबूत मिटाने के लिए महिला के शव को ससुराल वालों ने जला दिया। पीड़िता का परिवार स्थानीय थाने की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाकर महिला के बचे अवशेषों को जांच के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने आरोपी परिवार की गिरफ्तारी के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। बगल से सुनाया था सर, हम लोग सुबह में गए थे तो मार कर फूंक दिया लोग सर, घर बनकट रामनगर छोटा बनकट, एक बच्चा है 4 साल का, बच्ची है 2 साल का, पति का नाम है श्री टुंडन ठाकुर, माता का नाम गायत्री देवी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार। आप क्या ले जाकर जला दिया गया? लोगों से पूछा तो कोई नहीं बताया, नहा को हम लोग आए तो बता रहा है कि उधर एक लाश जल रहा है, आप लोग जाकर उधर देखिए, वो तो नहीं है। तो हम लोग गए तो वहीं लाश था, अब प्रशासन पुलिस सब भी गया था, हम लोग बुलाए थे वहाँ। सहरसा के विकास भवन सभागार में पंचायती राज विभाग प्रभारी मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम की अध्यक्षता में सरकार की
चल रही योजनाओं के संबंध में बैठक हुई। बैठक में बीजेपी विधायक आलोक रंजन और अन्य आला अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री मुरारी प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा की और जरूरी निर्देश जारी किए, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। के द्वारा देखी गई कहीं कहीं कुछ कमियां पाई गई हैं, उन सब पे जो भी यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी कार्य में कहीं भी किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सारे विकास कार्य जो हैं अग्रतर सही तरीके से हो, धरातल पे सही तरीके से सारी योजना धरातल पे उतरे, इन सारी चीज़ों की समीक्षा। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नेपाल में होने वाले संसदीय चुनाव को देखते हुए इंडो और नेपाल बॉर्डर की सीमा को अगले 72 घंटे के लिए पूरी तरह सील कर दिया। एसएसबी 21वीं वाहिनी गंडक बराज कमांडर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि नवलपरासी जिला चुनाव कमिश्नर की तरफ से बंदी का पत्र हुआ था, जिसके बाद पूरी तरह से बॉर्डर बंद कर दिया। भागलपुर के जीरो माइल थाना पुलिस 2019 में हुई गोलाबारी की घटना में शामिल पवन शर्मा के नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस सिपाहियों की तरफ से बड़ी लापरवाही मिली। इस दौरान कैदी के हाथ में लगे हथकड़ी को बेड से बांधकर खुद गहरी नींद में सो गए। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एएसपी से जांच कराने के निर्देश दिए। दो हजार 2019 का केस था। कहाँ पे? मीराचक का घटना था। क्या हुई थी वहाँ पे? एक लड़का था, उसको गोली लगा था, तो उसमें बोला हमारा गवाही में नाम है, ठीक बहुत दिन पहले, तो बोला ठीक है गवाही में नाम है तो हम गवाही देंगे, मगर तो उसमें एफआईआर में मेरा नाम था। तो अरेस्ट किया गया आपको? हमको अरेस्ट कर। आज यहाँ क्या अस्पताल में क्यों आए? अस्पताल में हमको कोई काट लिया, कोई हाजतपुरा कचरा था, उसमें एट्रिक बैट्रिक पूरा था। अभी अस्पताल आए हैं? हाँ। ठीक है, किनके साथ था अभी? सर सब था। सर मायागंज अस्पताल में कैदी के साथ पुलिस प्रशासन सोई रहती है, इस पर क्या है? एक वीडियो प्रकाश में आया है, इसमें एक कैदी के साथ अस्पताल के ही एक बेड पे दो सिपाही बेड पे लेटे हुए दिखे गए हैं। ऐसे में जांच करवाई जा रही है, एएसपी सिटी को जांच के लिए भेजा गया है, और लगातार सभी पुलिस कर्मियों को यह निर्देश दिया जाता रहा है कि यूनिफॉर्म का एक कोड है पुलिस की वर्दी में, एक एक्सपेक्टेड जो कंडक्ट होना चाहिए उससे डाइवर्ट ना करें, और जहां तक हो पाए वो ड्यूटी अच्छे से करें। बेतिया की सात और नौतन की एक पंचायत को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में भाकपा नेता वीरेंद्र गुप्ता के साथ कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि 95% आबादी कृषि कार्य में लगे मजदूरों की है, जिसके कारण बड़ी संख्या में विस्थापन की समस्या सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं ने पूरी प्रक्रिया को भ्रष्ट बताया और संबंधित अधिकारियों की आलोचना की। जो लोग हैं मजदूरी करते हैं या खेती पर निर्भर हैं, उस क्षेत्र को जो 8 पंचायत है, बेतिया के 7 पंचायत और नौतन के जो है 1 पंचायत, ये नगर निगम में शामिल कर दिया गया है। इससे दिक्कत ये है गांव वालों को कि बहुत सारे गरीब हैं जिनके घरों के अपने कागजात नहीं हैं। देश की आज़ादी के बाद कानून बना कि जो जहाँ बसा हुआ है उसको जमीन पर कागज मिल जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना। शहरी इलाके में जाने के बाद उनके जमीन के आवास के कागज नहीं मिलेंगे, और जो भाजपा का बुलडोजर राज चल रहा है पूरे देश में, वो गरीबों को, ऐसे तमाम गरीबों को उजाड़ने के अभियान के साथ हम समझते हैं कि ये नगर निगम में जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप
घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। भागलपुर के महिषा मुंडा गांव के घर में अचानक आग लग गई, जिसमें पीड़ित परिवार की सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं प्रशासन की तरफ से शिकायत के बाद भी सहायता नहीं मिली। पीड़ित परिवार ने पत्रकारों से बात कर आग लगने की जानकारी दी। बता दें, प्रशासन की तरफ से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भागलपुर के महिषा मुंडा गांव के एक घर में अचानक लग गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमिक हमसे जुड़ेंगे। अमिक, भागलपुर के महिषा मुंडा गांव के एक घर में अचानक लग गई आग लग गई, क्या वजह है आग लगने की, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मेहरे जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्राइम टीवी की टीम वहां पर पहुंची तो पता चला कि ये लकड़ी पर जो है वो दूध औट रही थी लाखों देवी पीड़ित परिवार, और इसी कर्म में जो है कुछ लरुआ जो होता है हमारे यहाँ का धान का फूस, उसमें आग लग गई, जिसके वजह से आग बेकाबू हो गई और वो घर झोपड़ी का था और उनका जो भी कुछ था रहने का वो सारा कुछ जलकर खत्म हो गया। और बहुत देर बाद भी वहां पर कोई भी ये पीड़ित परिवार का मदद के लिए नहीं पहुंचे, प्रशासन कोई नहीं पहुंचे। ठंडी के दिनों में उस पर काफी ये जो है दुख का अंबार गिर पड़ा है। अमित, क्या वजह है कि शिकायत के बाद भी अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है? देखिए मेहर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में जो है दावे बहुत किए जाते हैं परंतु जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्थिति में भी जब पूरा घर जलकर खाक हो गया, लेकिन वहां पर ना कोई फायर ब्रिगेड की कोई टीम पहुंची, ना ही 100 नंबर की पुलिस पहुंची, या ना कोई लोकल वहां थाना पहुंचा। मैं आपको बता दूं कि भारत की इंटरनेशनल, भारत की एक बहुमूल्य नवरत्न कंपनियां में से एक NTPC के जस्ट बगल में वो पड़ता है, मात्र 50 मीटर की दूरी पर पड़ता है। NTPC का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करे, मदद करे, लेकिन ऐसा उन्होंने भी कुछ नहीं किया और अपनी भारी लापरवाही वहां पर दिखाई। धन्यवाद अमित तमाम जानकारियों के लिए। पश्चिम चंपारण बेतिया के जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार के आदेश पर पंचायतों में नल जल योजना और पैक्स योजना की जांच की गई। अचला अधिकारी को पकड़ या पंचायत में योजना के संचालन के दौरान कमी पाई, जिसके बाद संबंधित अधिकारी पर सख्त जांच करने के निर्देश जारी किए। पत्रानुसार पकड़िया पंचायत में बुधवार जांच और बृहस्पतिवार जांच की गई, जिसमें सभी अपैक्स गोदाम नलजल 7 निश्चय योजना का भी जांच किया गया। विद्यालय भी था, आंगनबाड़ी भी था। यहाँ पे नल जल में वार्ड संख्या 5 में विसंगति पाई गई है। वो जो है वहाँ पर थोड़ी कागजी समस्या।
मोतिहारी के भवानीपुर हाई स्कूल के कर्मचारी हेड क्लर्क की बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। राहगीरों की मदद से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कर्मी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे सदर डीएसपी और कोटवा थाना पुलिस ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। चौक पर के रहने वाले हैं रामकिशोर सिंह, उनकी गोली मार करके कितने अपराधी थे सर? अभी ये पता नहीं चल पाया है, हम लोग देख रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से पता नहीं चल पाया है, हम लोग देखते हैं जैसे होगा फिर आपको बताया। खोखा वगैरह भी सर बच्चा से बरामद हुआ है जी? हमारे बेतिया के नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल के उपाध्यक्ष सुधीर कुमार के साथ स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ कर्मचारी ने शराब के नशे में गाली गलौज की। उपाध्यक्ष की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से कर्मी की जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। नवादा के बहादुरपुर गांव में चार कट्टा जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। चल रहा था, सब लोग बाद में थे, इधर से खाना जा रहा था, वो उसके वगैरह बेटा चार को पांच को आठ को आदमी उधर से ले लिया लड़का के, वो गोली लेकर आई, इसका दो को बाप है चाचा है, इधर से जाके छेक लिया, इधर से हरिया दिया जाके बीचे में तो पकड़ा दिया, ये भागते भागते मारा ये वो गोली से माथवा दिया, क्रॉस होके पार हो गया। और जो छोटा ना नरेश उसका बेटा का नाम रंजीत कुमार, उसने मिलकर 10 को लड़का लाया, बंदूक ला के मार दिया। क्या मारा? छोटे लाल और नरेश यादव, नरेश वही मारा। हम लोग देखिए थाना का जब से ज्यादा दोस्त इसमें, थाना जब से आया भाग गया थाना में, थाना कोई कार्रवाई नहीं किया, थाना हम लोग बार बार कहे सर हम लोग बाहर पढ़ने वाला है, पढ़ना पता कि हमको मार रहा है तो उसको हम कहे सर बाहरी हाल है मार। आज क्या हुआ? आज कहाँ है आज? आज क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कहे कि सब देख लिया है, सब घर पर चढ़ दिया है, मार रहा है, तो हम बोले उनको तो कि तुम लोग नौटंकी कर। बड़ा बाबू बोलते हैं? हाँ, कौन बाबू थे हमने जाने। कितने की संख्या में था वो घर पर चढ़ा हुआ? वो तो सब जनियन चढ़ल है, मर्दन मंदिर है पाँच सात गो, तखने थमनी सब बढ़िया चल गई है, फिर अलिए और फिर सब संभाग गए। सहरसा के कलेक्ट्रेट परिसर में शपथ पत्र बनवा रहे अग्निवीर अभ्यर्थी की बाइक चोरी कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कौन था वो? उन्हें पहचानते हैं उनको। किसके हवाले किए हैं? प्रशासन के हवाले के पकड़ किए। गाड़ी चोरी कर रहा था क्या? हाँ, गाड़ी चोरी कर रहे, दौड़ के खेल पकड़े हैं, हमारा दोस्त पड़े उसके पास हम दौड़ गए हैं। गाड़ी कहाँ लगाए थे? गाड़ी वो पवन स्टूडियो के पास में लगा था, हम लोग हम थॉट के हैप्पी टीपी कर आर्मी रैली में जा रहे थे अग्निवीर के लिए। ऑन गाड़ी था, हम लोग देख रहे थे वहाँ से, आया घुमाया स्टार्ट किया चल दिया। तुम वहाँ घर हुआ? तुम लोग उसको रंगे हाथ पकड़े? हाँ, रंगे हाथ गाड़ी पे चढ़े हुए पकड़े उनको, पीछा से खिदार के पकड़े उसको। कहाँ का है वो? हमको पता नहीं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।
हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। बेतिया के खटौरी पंचायत मुखिया स्मिता चौरसिया ने बेटी की शादी में नई पहल की। मुखिया शादी निमंत्रण कार्ड के साथ 2000 आंवले के पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में आंवले की अहमियत को देखते हुए पंचायत सफाई कर्मियों के घर घर जाकर पौधे वितरित करने का अनूठा पहल किया। कोरोना काल के दौरान जिस तरह से हम ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं, इस चीज़ को मैं देख के सोची कि क्यों ना मतलब पौधों को लगाया जाए। तो ऐसे हम पौधा तो लगा नहीं पाते हैं, लेकिन बेटी के शादी में मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना ये घर घर तक मैसेज पहुंचाया जाए कि हरियाली को बढ़ावा दिया जाए और प्रकृति संसाधनों का सदुपयोग किया जाए। शादी के कार्ड में जिस तरह से हम कागज़ का उपयोग करते हैं, वो उपयोग नहीं दुरुपयोग होने लगता है। इस चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगा। पश्चिम चंपारण बेतिया के रहने वाले बलिष्टर चौधरी की अज्ञात लोगों ने जम्मू कश्मीर में हत्या कर दी थी। घटना के बाद शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर डाली थी। तस्वीर डालते ही उनके परिजनों द्वारा उनके शव की पहचान कर ली गई, जिसके बाद उनके शव को उसके गाँव लाया गया। शव जैसे ही उनके घर पहुंचा, उनकी पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि बलिष्टर चौधरी जम्मू कश्मीर कमाने गया था और वो जल्द ही घर वापस आने वाला था। फिलहाल परिजनों का कहना है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। भागलपुर के मुजाहिद थाना से कुछ दूरी पर अवैध कोरोसिन तेल का कारोबार कर रहे संचालक के घर में सिलेंडर फटने से तेज धमाका हो गया, जिसमें आसपास के घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि थाने में कुछ ही दूरी पर अवैध कारोबार संचालित हो रहा है, फिर भी पुलिस ने अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। नवादा के कृषि भवन में 2 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन हुआ। जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुमारी और कृषि पदाधिकारी संतोष कुमार ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पदाधिकारी ने बताया कि 90 तरह के स्टॉल मेले लगे हैं। मेले में होने वाले आय को सीधे किसान के खाते में भेजा जाएगा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। बिहार की खबरों में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल।
जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं।